नमस्कार। ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी नवीन प्रवेशित छात्रों का स्वागत है। कल के वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की। आज के वीडियो में मैं भारतीय संस्कृति की चर्चा करने से पहले मैं प्राग ऐतिहासिक काल, जो भारतीय इतिहास का प्राचीन काल है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के इतिहास का जो काल विभाजन है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन तीनों कालों में जो प्राचीन काल है, जहां से हमारी सभ्यताएं प्रारंभ हुई, उन सभ्यताओं का इतिहास क्या रहा, उनकी परंपराएं क्या रही, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। प्राग ऐतिहासिक काल भारत के इतिहास का वो काल है जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का की लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं होती है। लिपि, भाषा, इसके संबंध में कोई भी जानकारी हमें प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में पता नहीं चलता है। प्राग ऐतिहासिक काल भारतीय इतिहास का वो काल है जिसमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना होता है, और पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होने के कारण ही इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा जो काल है वो है आद ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो काल आता है या वो सभ्यताएं आती हैं जिनके विषय में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता, लिपि की अपठनीयता है, और निरंतर उस लिपि को पढ़ने के लिए प्रयास जारी है। निरंतर अनुसंधानकर्ता उस लिपि को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लिपि क्या है, उसके संबंध में अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ऐसी संस्कृति को प्रमाणित करने के लिए निरंतर अनुसंधान जारी है। भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो दूसरा काल है, आदि ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हम हड़प्पा और वैदिक संस्कृति को रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सामान्य जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। क्यों? किसी भी देश के इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण, इन तीनों की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों संसाधन या साधन हमें मिल जाते हैं तो हम पूर्णतः पूरे विश्वास से, आत्मविश्वास से उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तीसरा जो काल है वो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया, ये कालखंड भारत में के संदर्भ में, प्राचीन भारत के संदर्भ में मौर्य काल से प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि मौर्य काल से ही हमें भारत के इतिहास के संदर्भ में पुरातात्विक, लिखित और साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये हमें मिलते हैं, जिससे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो तीन कालखंड है, इनकी डेफिनेशन है। आदि ऐतिहासिक काल भारतीय इतिहास का वो काल है जिसके संदर्भ में पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, ये भारत का प्राग ऐतिहासिक काल है। दूसरा काल आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत के इतिहास का वो काल जिसके संबंध में लिपि और भाषा तो प्राप्त है लेकिन उसकी अपठनीयता है। हड़प्पा संस्कृति के जो पिक्टोग्राफ, जो चित्राक्षर हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं मोहरों पर या उत्खनन की जो सामग्रियों पर, जो अवशेष रूप में हमें प्राप्त होते हैं, उनको अभी पढ़ा नहीं जा सकता। केवल वो भाव प्रदर्शित करते हैं, भाव इंगित करते हैं। उस लिपि को पढ़ने के लिए अभी निरंतर अनुसंधान है, जारी है। तो भारतीय इतिहास का ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा जो काल है वो है ऐतिहासिक
काल। ऐतिहासिक काल भारत के इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भारत के ऐतिहासिक काल की गणना मौर्य काल से की जाती है। चूंकि मौर्य काल में ही सबसे पहले पुरातात्विक, लिखित और साहित्यिक, ये तीनों स्रोत हमारे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होते हैं और यहीं से भारत का व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है। एक दूसरा, एक अन्य काल जो भारत के संदर्भ में है वो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल भारत में, प्राचीन भारत के संदर्भ में वो काल है जिसके लिए ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं जो भारत में उदय हुई, उनका प्रकाश, उनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, वो भारत के इतिहास के संदर्भ में ताम्रपाषाणिक काल के अंतर्गत आता है। तो इतिहास की अध्ययन से पूर्व हमें ये भारत के प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल, इन कालों की हमें जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो, जिनका पूरा जो सिलेबस है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का, वो पूरा प्राचीन भारत पर आधारित है। प्राचीन भारत के अंतर्गत दो प्रश्न पत्र महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सिलेबस में डिवाइड है। पहला पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार और दूसरा प्रश्न पत्र भारत का इतिहास जो प्रारंभ होता है आरंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, और द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास आरंभ से 1206 ईस्वी तक। ये दोनों प्रश्न पत्र प्राचीन भारत से रिलेटेड हैं और प्राचीन भारत की जानकारी या विषय का प्रवेश करने से पूर्व हमें भारत के इतिहास का काल विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल, इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। तभी जाकर भारतीय संस्कृति के मूल आधार और प्राचीन भारतीय इतिहास जो प्रश्न पत्र है उनको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। आज का जो वीडियो है वो प्राचीन भारत के इन जो काल हैं, इन काल के संदर्भ में है, सामान्य जानकारी है। आप इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास की जो ये काल हैं, इन कालों के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित कर और विषय में प्रवेश कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।